हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है जिंदगी हटके। आज हम वो गाइडेड मेडिटेशन करने वाले हैं जो आपको डिफिकल्ट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। हमारे मन की गहराइयों में ही सारे आंसर्स छिपे होते हैं। हमारी गट फीलिंग सारे आंसर्स जानती है, पर हमारा माइंड कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि वो सारे ऑप्शंस के फायदे नुकसान चेक करता है लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से, जिसकी वजह से रियल गट फीलिंग को पहचान पाना एक चैलेंज बन जाता है। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, और मेडिटेशन की हेल्प से आप अपने अंतर्मन या इंट्यूशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस मेडिटेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने चॉइसेस को 2 या 3 ऑप्शंस में फाइनल कर लें, इससे डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं साथ में। अब एक आरामदायक पोजिशन में बैठ जाए या लेट जाए। अगर हो सके तो अपनी बैक या स्पाइन को सीधा रखें। अब अपने फेस पर फोरहेड एंड आईज को रिलैक्स करें। मुंह थोड़ा खुला रख सकते हैं। अपने जॉस और जबड़े को रिलैक्स कीजिए और फील करें कि मुंह के मसल्स हैवी हो रहे हैं जॉस के वेट से। जेंटली अपनी गर्दन को घुमाएं साइड में और सर्कुलर तरीके से। फील द रिलैक्सेशन। अपने कंधों को ढीला छोड़ें और झुका दें रिलैक्स करने के लिए। अपने हाथों को रिलैक्स करें। अपने लोअर बैक, बेली, हिप्स, लेग्स, फीट सब कुछ ढीला छोड़ दें और रिलैक्स करें। इस पूरे मेडिटेशन की कोशिश करें कि कोई भी अननेसेसरी टेंशन ना आए बॉडी में, और लगे कि कोई पार्ट टेंस हो रहा है तो तुरंत उसे ढीला छोड़कर रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपनी बैक में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर लगाएं और महसूस करें कि एक रॉड जो कि यहाँ से जा रही है ज़मीन के नीचे की गहराइयों में। कुछ पलों के लिए इसी अवस्था को फील करें और डिटेल में सोचें कि इस कनेक्शन को कैसे स्टैब्लिश किया जाए। अपनी हर एक सांस के साथ और ज़्यादा बैलेंस्ड फील करें। इस मेडिटेशन को करते टाइम अगर कोई भी चिंता, तनाव और एंजाइटी के विचार मन में आए तो उसी रॉड से नीचे ज़मीन में जाने दें। अब धीमे धीमे और गहरी सांस लें और अपना ध्यान सांसों की तरफ फोकस करें। जब भी आपका मन चिंताओं से गिर जाए तो आप अपनी सांसों पर फोकस करें। अब अपना ध्यान अपने थर्ड आई सेंटर पर लगाएं। माथे के बीच में आपकी आईब्रोज के बीच की जगह। अब आप फील करें कि आपका इंट्यूशन और अंतर ध्यान इसी जगह पर है और सूर्य की किरण यहाँ से पैदा हो रही है। अपने आप को याद दिलाएं कि आपका इंट्यूशन गट फीलिंग हमेशा से आपके साथ है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपके साथ आ जाएगा। अपने आप को याद दिलाएं कि आप हमेशा से ही अपना सही आंसर जानते हैं, आपके लिए जो सही है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, चाहे आपके लॉजिकल माइंड इससे सहमत हो या ना हो। अपना ध्यान उस बात पर लगाएं जिससे रिलेटेड कोई मुश्किल डिसीजन लेना है आपको। उस सिचुएशन को एक बाहरी इंसान के तौर पर देखें, जैसे कि आपका उस सिचुएशन से कोई वास्ता ना हो। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। अगर आपका मन फिर से अशांत हो रहा हो और उस अशांति को धरती के नीचे की रॉड से अंदर जाने दें, सांसों की तरफ ध्यान लगाएं जब भी मन अशांत हो। अब शांत रहते हुए उन 2-3 ऑप्शंस को याद करें जिनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। एक बाहरी इंसान के रवैया बनाते हुए जो आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो, इस पॉइंट पर उन ऑप्शंस को सोचें। हो सकता है कि आप उन्हें कागज के शीट पर लिखी गई लिस्ट के रूप में देखें या फिर जैसे आपको नेचुरल लगे। अब अपने विकल्पों को नाम दें। उनका एकमात्र विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, 3
और नाम और प्रेजेंस में रहे। अब धीमे धीमे सांस को अंदर ले और बाहर छोड़े। इन एंड आउट, इन एंड आउट। अब अपना फोकस ऑप्शन नंबर 1 की तरफ ले जाए। अगर आपका लॉजिकल माइंड तुरंत उसके फायदे या नुकसान सोचने लग जाए तो उनको अपनी धरती में जाने वाले रॉड से नीचे भेज दें। अब आप यह दिखावा करेंगे कि आपने अपना निर्णय विकल्प नंबर 1 के साथ जाकर पहले ही तय कर लिया है। निर्णय लेने के बाद खुद को सही मान लें और धीरे से अपनी बॉडी को स्कैन करें, अपने पैरों के तलवों से लेकर अपने सिर के मुकुट तक। इस विकल्प से आपके शरीर में कैसा फील हो रहा है? क्या आप इसके बारे में सोचकर तनाव महसूस कर रहे हैं या कोई चिंता या भय है? हो सकता है कि आप बहुत शांति आनंद से भरे और राहत महसूस कर रहे हो। जो भी संवेदना अभी है उसके साथ रहें। सच में इसे महसूस करें। अपने विकल्प 1 के साथ जाने के बाद अपने जीवन की कल्पना करें। अब इस छवि को छोड़ दे और अपने हाथ के रॉड से नीचे जाने दे काम में, या फिर किसी और तरीके से उसे साइड में कर दे। अब 3 रिलैक्स एंड काम ब्रेथ्स लें। सांस अंदर लें और छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपना फोकस ऑप्शन नंबर 2 की तरफ ले जाएं। अगर आपका लॉजिकल माइंड तुरंत उसके फायदे और नुकसान सोचने लग जाए तो उन विचारों को धरती से नीचे जाने वाले डॉट से भेज दें। अब यह दिखावा करेंगे कि आपने अपना निर्णय नंबर 2 विकल्प के साथ जाकर तय कर लिया है। निर्णय लेने के बाद खुद को सही मान लें और धीरे से अपनी बॉडी को स्कैन करें, अपने पैरों के तलवे से अपने सिर के मुकुट तक। यह विकल्प आपके शरीर में कैसा फील कर रहा है? क्या आप अभी आराम या तनाव महसूस कर रहे हैं या घबराहट महसूस कर रहे हैं या फिर शांति के एहसास को फील कर रहे हैं? जो भी सेंसेशंस हो रही हैं बॉडी में उनके साथ रहें। इस छवि को भी छोड़ दें और अपने बैग के साथ के रॉड्स नीचे जाने दें या फिर किसी और तरीके से उसे साइड में कर दें। अब 3 रिलैक्स्ड एंड काम ब्रेथ्स लें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब सेम प्रोसेस रिपीट करें ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगर आपके केवल 2 ही ऑप्शंस हैं तो उन्हें रीटेस्ट कर सकते हैं। पहले ये क्लियर कर लें कि आपका लॉजिकल माइंड आपकी फीलिंग्स को उत्तेजित तो नहीं कर रहा। अपने सांसों के साथ रहें और यह दिखावा करें कि आपने ऑप्शन 3 के साथ जाकर अपना निर्णय ले लिया है। निर्णय लेने के बाद अपने आप को सही देखें और अपने शरीर को अपने पैरों के तलों से सभी तरह से अपने सिर के मुकुट तक स्कैन करें। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी मसल्स सॉफ्ट और रिलैक्स्ड हैं? अपनी सेंसेशंस के साथ रहें, उन्हें एक्सप्लोर करें और अब उस थर्ड ऑप्शन की इमेज को भी धीरे से अपने दिमाग से जाने दें और 3 बार सांस लें और छोड़ें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल
Exhale. Inhale. Exhale. एक बार फिर एक लिस्ट के रूप में तीनों विकल्पों की कल्पना करें। यह हालांकि आपने इसे पहले स्थान पर किया था, देखें कि क्या अभी भी कोई विकल्प ज्यादा ब्राइट और अच्छा महसूस हो रहा है। जल्दी से तीनों ऑप्शंस को रिटेस्ट करें अपनी बॉडी में हो रहे सेंसेशंस के साथ। क्या आपको अपना उत्तर पता चल गया है या अभी भी भ्रम की स्थिति में है? निराशा ना करें, यू इस अभ्यास को आवश्यक रूप से कई बार दोहरा सकते हैं। अगर आपके पास धैर्य है तो आपके सही डिसीजंस और चॉइस आपके सामने उभर कर जरूर आएंगे। अब इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग को धन्यवाद देने के लिए कुछ समय दें। अपने हाथों को जोड़ लें और अपने दिल में एक प्रार्थना में शामिल हों। हाथों को अपने तीसरे नेत्र केंद्र या अपने आईब्रोज के बीच में लेकर जाएं। आपकी अंगूठी धीरे धीरे इस क्षेत्र को छूते हैं जो आपके सहज इंट्यूशन को एड्रेस करता है। कहिए, मेरे निर्णय लेने की प्रक्रिया में और मेरी मदद करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा मेरे लिए यहाँ रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे अधिक बार जुड़ने की आशा करता हूँ। अपने हाथों को अपने दिल में वापस लाएं और एक को दूसरे के ऊपर रखें। अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, वास्तव में इसकी नए किस्म जाने। अब अपने सिर को अपने हाथों में झुकाएं और यह पहचानने के लिए खुद को धन्यवाद दें कि आपका सहज ज्ञान आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। स्वीकार करने के लिए समय निकालने के लिए खुद को धन्यवाद दें और कुछ गहरी स्लो ब्रेथ्स लें। जब आप तैयार हो तो अपनी आंखें खोल लें। आप अपना समय लें, कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मेडिटेशन। आई होप कि आपको सही डिसीजंस लेने में मदद मिली होगी। नाउ फील द जॉय इनसाइड यू। अपने मन में उठती हुई तरंगों और फीलिंग्स को महसूस करें। ये उस खुशी के पल हैं जिसने आपको एक नई दिशा दिखाई है। आप अपने जीवन में इस तरह आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर।